नमस्कार परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। आज जो अपडेट है वो है शिक्षक दिवस का महत्व एवं महान व्यक्तियों के विचार हैं। इन्हीं विचारों को अपने वक्तव्य में सर्वज्ञ राज ने जानकारी साझा किया है। वहीं डॉक्टर अरुण कुमार राज ने विश्व कोकोनट यानी नारियल दिवस को लेकर जानकारी साझा किया है। नारियल का उपयोग महत्व शरीर के लिए फायदेमंद को लेकर जानकारी दिया है। वहीं मेनोपॉज से औरतें प्रभावित होते हैं, उससे होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी देते ललिता कुमारी गृहिणी ने बताई है। नमस्ते, मैं आपको शिक्षक दिवस पर देश के महान शिक्षकों द्वारा दिए गए कुछ अनमोल विचारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिंदगी में शिक्षक का बड़ा महत्व होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शिक्षक से पढ़ाई में ही बच्चों की मदद करते हैं, बल्कि वो जिंदगी में आगे बढ़ने और सही दिशा में बढ़ने की राह भी दिखाते हैं। दुनिया में कई देशों में शिक्षकों को विशेष सम्मान देने के लिए हर साल शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। हालांकि हर देश में इसकी तारीफ अलग अलग है। जैसे भारत में 5 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है, जबकि चीन में 10 सितंबर को, रूस में 5 अक्टूबर को और अमेरिका में 6 मई को यह दिवस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं देश के महान शिक्षकों द्वारा दिए गए कुछ अनमोल विचार। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, अच्छे शिक्षक वे होते हैं जो हमें खुद के बारे में सोचना सिखाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है, किताब पढ़ना हमें एकांत में विचार करने की और सच्ची खुशी देता है। डॉक्टर सर्वपल्ली ने कहा है, पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल या का निर्माण करते सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, हर घर एक यूनिवर्सिटी है और पेरेंट्स शिक्षक हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, शिक्षक एक बहुत ही बढ़िया पेशा है जो एक व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को सवारता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। धन्यवाद, मैं आपका सर्वज्ञ राज। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। वर्ल्ड कोकोनट डे पर विशेष स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है नारियल तेल। इन 10 समस्याओं से रखता है दूर। पूरी दुनिया नारियल के गुणों और महत्व को समझ चुकी है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नारियल पानी से लेकर फल और इसके तेल तक हर चीज हमें सेहतमंद बनाता है। दक्षिण भारत में नारियल तेल में लोग भोजन बनाते हैं। अगर आप भी स्वस्थ जीवन शैली चाहते हैं तो अपनी डाइट में नारियल तेल को शामिल करें। खाने में नारियल तेल को शामिल करने से आपको हार्ट से लेकर पाचन तंत्र की कई बीमारियां में फायदा होता है। हर साल 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस यानी विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। हम आपको बता रहे हैं इनके गुणों के बारे में। नारियल तेल हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। हमें सर्दी खांसी समेत कई तरह की वायरस बीमारियों से बचाता है। नारियल तेल शरीर में प्रवेश करने वाले बैड बैक्टीरिया से लड़ता है और पेट को भी संक्रमण से बचाता है। नारियल तेल को डाइट में शामिल करने से आपको तोंद नहीं निकलती है, यानी वह
आपको मोटापा से बचाता है। इसके इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और फैट तेजी से बर्न होता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो फैट का बर्न होना जरूरी है। ऐसे में खाने में नारियल तेल का इस्तेमाल करना फायदेमंद है। नारियल तेल से खाना बनाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपको अपच और गैस जैसी पेट की समस्या नहीं होती। कब्ज और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों में भी इसका सेवन फायदेमंद होता है। नारियल तेल कीटोन्स का उत्पादन करता है। कीटोन्स हमारे शरीर के स्वस्थ सेल्स को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैंसर सेल्स को छोड़कर शरीर के दूसरे मजबूत सेल्स को इससे ऊर्जा मिलती है। ऐसे में नारियल तेल का खाने में प्रयोग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी बचाव होता है। नारियल तेल को डाइट में शामिल करने से आपको हार्ट की समस्या भी नहीं होती है। नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए फायदेमंद है। शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हार्ट की समस्या नहीं होती है। नारियल तेल को डाइट में शामिल करने से दांत और हड्डियां मजबूत होती है। खाने में नारियल तेल के इस्तेमाल से शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। इससे हड्डियां मजबूत होती है और हड्डियों से संबंधित रोग नहीं होते हैं। नारियल तेल के और भी कई फायदे हैं। बालों में नारियल तेल लगाने के बाल लंबे और घने रहते हैं। यह हमारी त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद है। नारियल तेल से मसाज करने से त्वचा चमकदार होती है और एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण चेहरे पर झुर्रियां दूर होती है। नारियल तेल एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं। यह त्वचा के कटने और जलने में भी फायदेमंद है। शरीर में पानी की कमी के चलते जब ओट फटने की समस्या होती है तो नारियल तेल को लिए बाम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। 40 के बाद हर महिला को जाननी चाहिए सेहत से जुड़ी ये बातें। 40 साल की उम्र पूरी होने के बाद महिलाओं के शरीर में अहम बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, जिनका सीधा कनेक्शन मेनोपॉज से जुड़ा होता है। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं मेनोपॉज की वजह से होने वाली समस्याओं को आने और उनका सही इलाज खोज सके। तो चलिए जाने 40 साल की उम्र के बाद होने वाली सेहत से जुड़ी परेशानियां। सामान्यतः 45 साल की उम्र के बाद महिलाओं के जीवन में पीरियड का चक्र पूरा होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके पूरा होने की प्रक्रिया किसी महिला में 40 के तुरंत बाद तो किसी के 50 के करीब आने पर होती है। इसलिए हर महिला में इससे जुड़ी परेशानियां अलग अलग समय पर देखी जा सकती है, लेकिन ये दिक्कतें लगभग एक जैसी ही होती है। इसमें गर्भाशय में प्रजनन क्षमता से जुड़ा हार्मोन्स एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है। महिलाओं में इस स्टेज के आने से पहले ही काफी सारे लक्षण नजर आने लगते हैं, जिन्हें प्री मेनोपॉज कहते हैं। प्री मेनोपॉज के समय महिलाओं का को अनियमित महामारी हॉट फ्लेसेस यानी कि अचानक फ्लेसेस यानी कि अचानक से गर्मी का अनुभव होना होता है। इसी के साथ ही पसीना निकलना, मूड बदलना होता है। वहीं यूरिन से जुड़ी परेशानियां भी उन्हें परेशान करती है। वहीं त्वचा में ड्राइनेस, खुजली और बालों का झड़ना शामिल है। लगभग 80% महिला इस तरह की परेशानी से गुजरती है। बहुत बार महिलाओं को मेनोपॉज से जुड़ी इन समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं होती और उन्हें कई सारी बीमारियां घेर लेती है, जिसमें हड्डियों के कमजोर होने के साथ साथ दिल की बीमारी तक होने की खतरा होता है। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं खुद की सेहत का खुद ध्यान रखें। जरूरी है कि महिलाएं अपनी प्री मेनोपॉज के समय से पहले ही कुछ जरूरी टेस्ट करवा लें, जैसे एनीमिया की जांच, ऑस्ट्रियो
पीरोसिस की जांच, डायबिटीज, डिप्रेशन और एंजाइटी की जांच बहुत जरूरी है। शरीर को मेनोपॉज के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो अपने शरीर का ख्याल रखें। सही खान पान और एक्सरसाइज के जरिए इस तरह की समस्याओं से आसानी से निपटा जा सकता है। मेनोपॉज में होने वाले मूड स्विंग को भगाने के लिए जरूरी है कि महिलाएं योग का सहारा लें। बहुत सारी महिलाएं इनमें से किसी न किसी लक्षण की शिकार होती है, इसलिए जरूरी है कि उनके पास इसकी सही जानकारी हो, जिससे कि वो शरीर की परेशानियों से सही ढंग से निपट सके। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।